अभी एक हफ्ता पहले IMF जैसे ही बेल आउट पैकेज के लिए राजी हुआ, पाकिस्तानी PM और पाक सरकार के मंत्री ऐसे ट्वीट करने लगे कि मानो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। लेकिन एक हफ्ता बाद पाक जनता रोने लगी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में जिसके बाद वहाँ की आवाम परेशान है। दरअसल पाक अर्थव्यवस्था जैसे ही धरातल पर गई, पाक जनता रोने लगी, क्योंकि जिन शर्तों पर पाकिस्तान को कर्ज मिला उससे पाक जनता को परेशानी उठानी ही थी, क्योंकि जनता पर वहां की सरकार ने और बोझ बढ़ा दिया है। जी हां, खबरों की माने तो देश में बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। पाक सरकार ने पेट्रोल के दाम में 19.95 रुपए का इजाफा किया, जिसके बाद यह 272.95 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल की कीमतों में 19.90 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 273.40 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। नई दरें 1 अगस्त 2023 से लागू कर दी गई हैं। पाक वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल की कीमतों का ऐलान करते हुए कहा कि शरीफ सरकार ने यह फैसला राष्ट्रीय हित में लिया है। पाक मीडिया की माने तो रिव्यू मीटिंग के बाद सरकार ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इधर सरकार का ऐलान हुआ, उधर बढ़ी कीमतों को देखते हुए पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लग गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने दाम को कम करने की कोशिश की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत के कारण ये फैसला लेना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या किया है पाकिस्तान की सरकार ने। अब हम बताते हैं कि जैसे ही इसका विरोध शुरू हुआ, उसके बाद सरकार ने अपने फैसले का बचाव शुरू कर दिया है। और इसको लेकर डार ने कहा है कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम में कम बढ़ोतरी की कोशिश की थी, लेकिन यह सभी जानते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों से बंधे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह सभी एग्रीमेंट इमरान खान की सरकार के दौरान ही हुए हैं। ऐसे में हमें IMF की शर्तों का पालन करना जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपनी समस्या को सरकार दूसरे पर डाल रही है। यहाँ पर एक और जानकारी देते चलें कि पेट्रोल डीजल के अलावा पाकिस्तान में LPG के दाम में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अगस्त की शुरुआत के साथ LPG के दाम में 17.5% और LPG कंज्यूमर सेल प्राइस में 13.5% का इजाफा हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है और वहां की आवाम किस तरीके से इस वक्त परेशान है। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त हालात है, उससे यही समझ आ रहा है कि आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ और ज्यादा परेशान होने वाली है, जिसके बाद वहां की आवाम पर और ज्यादा बोझ बढ़ाया जाएगा।